अभी 8 बजे हैं सुबह के और मैं अभी चंपारण के इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जा रहा हूं। आपको पता है 14 जिले 109 प्रखंड 972 पंचायत और लगभग 40 लाख की आबादी जो है यानी पूरा उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित है और इस पे चंपारण का इलाका जो हो पूर्वी चंपारण हो पश्चिमी चंपारण हो बूढ़ी गंडक जो नदियां हैं और अनेक नदियां हैं जिसमें भारी जल स्तर जो है बढ़ा है और पूरी तरीके से लोग जो है तबाह हैं त्राहिमाम कर रहे हैं। इस इलाकों में काफ़ी जो है लोग अपने घर के छतों पर सड़कों पर आकर के बसे हुए हैं और दुख की बात है कि जहां 40 लाख आबादी जहां इस बाढ़ से प्रभावित हुई है सरकार ने केवल मात्र जो है 19 राहत शिविर ही चालू किया है और 19 राहत शिविर में केवल जो है 26,000 लोग रह रहे हैं बल्कि सब प्रभावित लोगों की आंकड़े जो हैं वो 40 लाख की है। तो सरकार ने केवल जो है इंतज़ाम 26,000 लोगों का कराया है 19 राहत शिविर कराया गया है और हमारी सरकार से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सामुदायिक किचन जो है वो खुलवाएं, लोगों का राहत शिविर है वो ज़्यादा से ज़्यादा खुलवाएं, लोग जो है भूखे प्यासे मर रहे हैं, बिना इलाज का कोई व्यवस्था नहीं है, लोग जो है परेशान हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं और हम तो मांग करते हैं राज्य सरकार से कि आप विलम्ब जो है प्रति व्यक्ति जो है 20,000 रुपए जो है खाते में सरकार जो है वो पहुंचाने का काम करे, यह हमारी मांग है। और हम लोग अभी निकले हैं जो पूर्वी चंपारण हो पश्चिमी चंपारण हो उनके इलाके में, लेकिन अब तक बिहार के मुख्यमंत्री 136 दिन हो गए वो घर से बाहर नहीं निकले और अब तक उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी नहीं किया, इसका हम खेद प्रकट करते हैं। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।